तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हॉरर लैंड में। तो आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ वो हो सकता है कि आपने पहले भी कहीं देख रखी होगी, लेकिन इस बार मैं इस मूवी को कोई रेगुलर एक्सप्लेनेशन की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए इस वीडियो में हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन और उससे ही जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आखिर कोई किस हद तक दरिंदा हो सकता है और क्या किसी मासूम पर ताकत आजमाना ही ताकतवर की निशानी है? अगर हम किसी को बचाने में जरा भी देरी करें और अपनी हिम्मत नहीं दिखाएं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये आज की कहानी में आपको पता चल जाएगा। डेविड नाम का एक आदमी जो कि अपने काम पर जा रहा था और तभी रास्ते में एक होमलेस आदमी को कोई गाड़ी टक्कर मार देती है और वो गाड़ी तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डेविड उस आदमी को बचाने में लग जाता है। बहुत कोशिशों के बाद में CPR देकर डेविड उस आदमी को होश में लेकर आता है और कुछ देर के बाद में एम्बुलेंस आकर उस होमलेस आदमी को अपने साथ में लेकर चली जाती है। अब फिर हम डेविड के बारे में जानते हैं कि आज डेविड के पास में सब कुछ है, लेकिन बचपन की ज़िंदगी में उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो आज भी नहीं भूल पाया है और यहाँ तक कि उसके वाइफ को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। डेविड एक ड्राइंग निकालता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपने बचपन के 1958 के साल को याद करता है जब वो एक दिन लेक के पास मछली पकड़ रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और दोनों एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं। उस लड़की का नाम मैग था और मैग के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो मैग अपनी आंट रूथ के साथ में रहने आई थी और डेविड रूथ का ही पड़ोसी था। फिर कुछ बातें करने के बाद में मैग अपने घर पर चली जाती है और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। डेविड रूथ के बेटों का दोस्त था और वो अक्सर उनके घर भी आया जाया करता था। अब एक दिन डेविड रूथ के एक बेटे रेफिल से कहता है कि वो उसकी बहन मैग से मिला था और रेफिल कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है। सभी दोस्त एक साथ मिलते हैं और वे सभी एक गेम खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। उन सभी के साथ में टिफनी नाम की एक लड़की भी आई थी और गेम हारने की वजह से टिफनी को बांधकर कुछ सेक्सुअल क्वेश्चन पूछते हैं और उससे एक सांप से डराते हैं। अब शाम के समय डेविड मेले में जाता है जहाँ पर मैग भी आई हुई थी। डेविड और मैग वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रूथ मैग को ज़्यादा आज़ादी नहीं देती थी। वो कहीं बाहर भी जाती थी तो उसे टाइम पर घर आना होता था, लेकिन डेविड को लगता था कि रूथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। अब अगले दिन डेविड रूथ के घर उनके बेटों के साथ में टीवी देख रहा था और रूथ ने अपने बेटों को बिगाड़ कर रखा हुआ था। रूथ की ही तरह उसके बच्चे भी कम उम्र में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने लगे थे और यहाँ तक कि रूथ अपने बच्चों को लड़कियों के बारे में बुरी बुरी बातें सिखाती थी। फिर वो अपने बेटों को मेले में ले जाती है और मैग को घर का ध्यान रखने को कहती है। अब रात के समय डेविड और रूथ के बेटे लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तभी विल कहता है कि क्यों ना मैग के शरीर को चुपके से देखा जाए और सभी लड़के चुपके से मैग की खिड़की पर नज़र रखते हैं जहाँ पर मैग कपड़े बदल रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद मैग अपने रूम की लाइट बंद कर देती है और सभी लड़के कुछ नहीं देख पाते हैं। अब अगले दिन रूथ अपने गार्डन में अपने बेटों को सिल्क वर्म को मारना सिखा रही थी और वो सिल्क वर्म के जाले पर आग लगा देती है। उसके बेटे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उन्हें जानवरों पर अत्याचार करना, निर्दय बनाना, यही सब अपने बेटों को सिखा रही थी। रूथ मैग को भी उन वर्म्स को जलाने को कहती है, लेकिन मैग ये सब नहीं करना चाहती थी और तब रूथ मैग को बहुत ही गलत तरीके से बातें सुनाने लगती है। मैग की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सुजैन था, जिसे पोलियो की बीमारी थी और वो उसकी बहन सुजैन के साथ में कपड़े धोने के लिए उसे भेज देती है। अब एक दिन डेविड रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहाँ पर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। तभी वहाँ पर मैग आकर उससे कुछ खाने के लिए पैसे मांगती है क्योंकि रूथ ने उसे 2 दिन से खाने के लिए नहीं दिया था। रूथ का ऐसा कहना था कि मैग मोटी हो गई है और उसे कम खाना चाहिए। डेविड मैग के लिए भी खाना मंगवा देता है और डेविड समझ नहीं पा रहा था कि रूथ ऐसा क्यों करेगी। उसने तो रूथ के बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सुना था। मैग के मुताबिक रूथ हर समय हर बात के लिए उसे ताना देती है और वो उसे जरा भी पसंद नहीं करती है। मैग को वहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और डेविड मैग की बात को समझकर उसे कुछ समय के लिए कम्फर्ट करता है। डेविड देखता है कि रूथ मैग की बहन सुजैन को बुरा भुला कह रही है और सुजैन को पोलियो था तो वो अपने पैरों से ठीक से नहीं चल पाती थी। अब फिर दोपहर को मैग डेविड के घर पर आती है और डेविड की माँ मिस मॉर्गन बहुत ही ज़्यादा प्यार से मैग से बातें करती है। मिस मॉर्गन मैग को घर पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन मैग को घर से इतने समय के लिए बाहर रहने के लिए परमिशन नहीं मिली थी, तो मैग डेविड को एक ड्राइंग देकर वहाँ से चली जाती है और ये वही ड्राइंग है जो कि प्रेजेंट टाइम में डेविड देखकर इमोशनल हो रहा था। फिर शाम को डेविड वही ड्राइंग रूथ को देखकर कहता है कि वो मैग ने उसके लिए बनाई है, लेकिन रूथ को समझ आ गया था कि वो ड्राइंग मैग ने डेविड के लिए बनाई थी ना कि उसके लिए। रूथ अपने बच्चों को कहती है
कि आजकल की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई है। वो थोड़ी सी जान पहचान के बाद ही लड़कों को कुछ भी देने के लिए राजी हो जाती है। वो डेविड से भी पूछती है कि क्या मैग ने भी उसे कुछ दिया, और डेविड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि रूथ का इशारा कुछ और था, जो कि आप भी समझ रहे होंगे। रूथ यहाँ पर मैग को करेक्टरलेस कहती है और मैग को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करती है, यहाँ तक कि वो मैग को प्रोस्टिट्यूट भी कहती है। अब फिर रात को डेविड देखता है कि रूथ और मैग के बीच में झगड़ा हो रहा है, और अगले दिन जब डेविड रूथ के घर पर जाता है तो वहाँ पर रूथ के बच्चे रफिल, विली और डैनी वे मैग को गुदगुदी कर रहे थे। और इसी बीच रफिल मैग के ब्रेस्ट को छूता है और मैग उसे थप्पड़ मारकर उसे दूर कर देती है। तब विली सुजैन को अलमारी से बाहर निकालता है, और तभी वहाँ पर रूथ आती है और सुजैन से पूछती है कि मैग ने रफिल को थप्पड़ क्यों मारा। सुजैन कहती है कि गलती रफिल की है, और तब रूथ सुजैन को बिस्तर पर लटाकर उसके अंडरगारमेंट्स उतारकर वो छोटी सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर उसे मारती है। ये देखने के बाद में डेविड भी सहम गया था, और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर मैग दौड़कर वहाँ पर आती है। रूथ उसे कहती है कि अगर उसने फिर से कभी लड़कों पर हाथ उठाया तो उसकी बहन को ही सजा मिलेगी, और यहाँ तक कि रूथ मैग की माँ की रिंग भी छीन लेती है। रूथ डेविड को भी समझा देती है कि वो उसके घर के मामलों को कहीं भी नहीं बताए, और डेविड डर के वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन रफिल और डेविड मेले में जाते हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं कि मैग एक पुलिस वाले से बातें कर रही है। फिर वे लोग घर पर आते हैं और विली मैग को थप्पड़ मारता है क्योंकि वो पुलिस वाले से बातें कर रही थी। रूथ मैग को कहती है कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए कोई नहीं आएगा, और पुलिस भी उसका साथ नहीं देगी क्योंकि किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। रूथ को किसी भी पुलिस वाले से डर नहीं लगता है। फिर वो मैग और सुजैन को रूम में जाने को कहती है, और उसके जाने के बाद में रूथ डेविड को बियर की कैन देती है और उसे कहती है कि वो अपने फादर को न बताए कि उसने ये किसने दिया है। अब अगली सुबह डेविड, विली और डेनी कार साफ कर रहे थे, और विली और डेनी ये बातें करते हैं कि मैग के साथ में कैसे गेम खेला जाए। डेविड भी सारी बातें सुन रहा था, तो डेविड अपने फादर से परमिशन मांगता है ताकि वो रात के समय रूथ के घर रुक जाए। वो पहले भी लड़कों के साथ में रात को एक साथ रह चुका था, लेकिन अब वहाँ पर दो लड़कियाँ भी थीं जिनका नाम था सुजैन और मैग, और इसीलिए डेविड की माँ उसे परमिशन नहीं देती है। लेकिन डेविड को ज्यादा जिद करने पर उसके फादर उसे वहाँ जाने के लिए बोल देते हैं। रात को डेविड रूथ के घर पर जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। तब डेविड बेसमेंट पर जाता है जहाँ पर रूथ और उसके सभी बेटों ने मिलकर मैग को वहाँ पर कुछ किताबों के ऊपर बांधकर खड़ा रखा था। मैग की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और रफिल एक बुक को हटाता है ताकि मैग को खड़े होने में तकलीफ हो। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और मैग के हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विली सभी बुक्स को हटा देता है, और मैग अब बस अपने हाथों के सहारे लटक रही थी। रफिल कहता है कि उसके सारे कपड़े उतार देना चाहिए, लेकिन डेविड उनको ऐसा करने से रोकता है, और फिर विली एक चाकू से मैग के सारे कपड़े फाड़ देता है। रूथ अपने लड़कों को रोकती भी नहीं है, और सभी उसे सेक्सुअल बातें पूछ रहे थे कि वो अकेले में अपने बॉडी के साथ में क्या क्या करती है। डेविड और सुजैन बस रो रहे थे, और वो मैग को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टोनी मैग के शरीर को छूने वाला था, लेकिन रूथ उनको रोक कर ये कहती है कि कोई भी इस प्रोस्टिट्यूट के गंदे शरीर को न छुए। रूथ मैग से भी कहती है कि अगर वो यहाँ से भागेगी तो उसकी जगह उसकी बहन को यहाँ पर नेकेट करके लटका दिया जाएगा, और सभी वहाँ पर मैग को ऐसे ही लटकते हुए छोड़कर चले जाते हैं। रात को डेविड को छोड़कर सभी लड़के मैग के शरीर के बारे में बातें कर रहे थे, और मैग के शरीर को छूने के लिए वे सभी फिर से बेसमेंट पर जाते हैं। मैग उनसे पानी मांगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ भी खाया और पिया नहीं था, तो सभी लड़के अपना पेशाब मैग को पिला देते हैं, और वो उनको रिक्वेस्ट करती है कि उसके हाथों की रस्सियाँ लूज कर दे। टोनी मैग को कहता है कि अगर वो उनको उसका शरीर छूने देगी तो वो उसके हाथों की रस्सियाँ लूज कर देंगे, लेकिन मैग इस बात को नहीं मानती है और कहती है कि अगर उन्होंने उसके शरीर को छुआ तो चिल्ला देगी। तब रूथ को भी उनके यहाँ पर होने का पता चल जाएगा, जिसके बाद में वे लड़के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डेविड जाने से पहले मैग के हाथों की रस्सियाँ लूज कर देता है। अब अगले दिन सभी लड़के फिर से बेसमेंट में आते हैं जहाँ पर रूथ मैग को एक ब्रेड खिला रही थी, लेकिन मैग इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि वो कुछ खा ही नहीं पा रही थी, और गलती से मैग के हाथ से रूथ का कप टूट जाता है, और तब रूथ मैग के सामने सुजैन को मारती है, जिसे देखकर मैग को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हम देखते हैं कि इधर रात को डेविड को इन सब बातों की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन फिर डेविड रूथ के घर पर जाकर सुजैन से बातें करता है, और डेविड उससे माफ़ी भी मांगता है कि वो उनको नहीं रोक सकता। सुजैन भी उसकी बात को समझ जाती है, और तभी डेविड को बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। डेविड बेसमेंट पर जाकर देखता है तो वहाँ पर विली, डेनी, टोनी, रफिल और उसके दोस्त मैगी से खिलौनों की तरह खेल रहे थे। मैग थककर गिर जाती है, और तब सभी वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन डेविड अभी भी छुपकर देख रहा था। टॉबी मैक को उठाकर उसे फिर से बांध देता है और वहां पर कोई नहीं था तो मौके का फायदा उठाकर वो मैक को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के आने का एहसास होता है और वहां से भाग जाता है। तब डेविड मैक के पास आता है, लेकिन रूथ को वहां पर देखकर डेविड वहां से भाग जाता है। रात के समय डेविड अपनी माँ के पास जाता है इन सभी बातों को बताने के लिए, लेकिन उसकी माँ सो रही थी तो वो कुछ बता नहीं पाता है और वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त मैक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रूथ और उसके बेटों की हैवानियत और भी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वहां पर टोनी चाकू लेकर मैक को चोट पहुंचा रहा था और रूथ उसे सिगरेट से जला रही थी। डेविड ये सब देखकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी उनका डोरबेल बजता है। रूथ लड़कों को आंसर करने के लिए भेजती है। तब डेविड रूथ से कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर वहां पर आ गए तो क्या उसके लड़के उनसे बातें कर पाएंगे और उसे लड़कों को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद में रूथ ऊपर जाती है और वहां पर सच में एक पुलिस ऑफिसर था जो कि मैग और सुजैन के बारे में पूछने आए थे। रूथ कहती है कि वे दोनों शॉपिंग पर गई है और ऑफिसर उसकी बात मानकर यकीन करके वहां से चला जाता है। डेविड मैग से चुपके से कहता है कि वो एक दरवाजा चुपके से खुला रखेगा जिससे कि वो वहां से भाग जाए और सुजैन का ख्याल रख लेगा। तभी वहां पर विली और डेनी आकर पूछते हैं कि उसे कैसे पता था कि डोर पर पुलिस वाला है और डेविड कहता है कि उसने बस अंदाजा लगाया था। अब रात के समय डेविड चुपके से मैक के पास जाकर उसके हाथ की रस्सियां खोल देता है और उसे एक चाकू देता है अपनी सेफ्टी के लिए और उसे कहता है कि उसने उसी लेक के पत्थर के नीचे पैसे रखे हैं। उसने वो पैसे मैक के लिए ही इकट्ठे किए हैं जिससे कि वो वहां से भाग जाएगी। रात को घर आने के बाद में डेविड ये उम्मीद कर रहा था कि मैक उस नरक से भाग गई होगी, लेकिन वो सुबह जाकर देखता है तो वहां पर पैसे अभी भी पड़े थे। वो समझ जाता है कि मैग वहां से नहीं भाग पाई है और फौरन रूथ के घर पर जाता है। वहां पर रेफिल डेविड को बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट पर रूथ अपने बेटे विली से मैग का रेप करवा रही थी। रूथ के बाकी के लड़के और उनके दोस्त ये सब देख रहे थे। डेविड रूथ को ये सब करने से रोकता है, लेकिन रूथ और उसके लड़के कहाँ रुकने वाले थे। रूथ आगे कहती है कि मैग ने कल रात को भागने की कोशिश की थी और किसी ने वहां का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था और इसीलिए मैग को सजा तो मिलेगी। टोनी मैग का रेप करना चाहता था, लेकिन रूथ डेविड को कहती है मैग का रेप करने के लिए, लेकिन डेविड अपने दोस्त मैग का रेप नहीं करना चाहता था और वो वहां से जाना चाहता था। रेफिल और टोनी उसे पकड़ लेते हैं और रूथ एक पिन को आग में गर्म करके मैग के शरीर पर गालियां लिख रही थी और जलने के ये निशान अब कभी भी नहीं मिटने वाले थे और वो जिंदगी भर मैग के शरीर पर रहने वाले थे। रूथ ने ये सब इसलिए किया था ताकि मैग किसी भी लड़के के साथ में कभी भी जिंदगी में शादी नहीं कर पाए और कोई भी उसके क्लोज नहीं आ पाए। अब रूथ मैग के प्राइवेट पार्ट को जलाने वाली थी और ये सुनकर डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ के लड़के आकर उसे पकड़कर उसे बहुत मारते हैं और उसे बांध कर रख दिया जाता है। फिर एडी और विली मैग के पैर पकड़ते हैं और रूथ मैग के प्राइवेट पार्ट को जलाने लगती है। मैग दर्द से चिल्लाती है और बहुत रोती है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डेविड ये सारी चीजें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है और कुछ समय के बाद में डेविड को होश आता है। वो अपने हाथ की रस्सियों को किसी तरह से खोलता है और मैग के पास आता है। सुजैन कहती है कि मैग अगर चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन सुजैन के बारे में सोचकर वो वहां से नहीं भागी। मैग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और दर्द की वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। डेविड उससे माफी मांगता है कि वो अपने दोस्त मैग के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन वो अब उनको वहां से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। डेविड बेड के नीचे की सुइयों को जमा करके आग लगा देता है और वो आग घर के बाहर तक आती है। रूथ बेसमेंट में देखने जाती है और तभी डेविड सुजैन के लेग स्टिक से उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है। विली आकर उसे रोकता है और विली और डेविड के बीच में फाइट होती है, लेकिन तब तक वहां पर ऑफिसर जेनिंग आ गए थे। डेविड सारी बातें ऑफिसर जेनिंग को बताता है और सुजैन को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। अब आखिरी समय में डेविड और मैग साथ में बातें कर रहे थे और मैग उसे अपनी माँ की रिंग मांगती है। डेविड रूथ से रिंग लाकर मैग को दे देता है और आखिरी समय में दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। मैग डेविड को आई लव यू बोलती है और बोलते बोलते ही वो अपना दम तोड़ देती है और वो इस दुनिया और दर्द से मुक्त होकर चली जाती है, जिसके बाद में डेविड उसे हक करके बहुत ज़्यादा रोता है। अब प्रेजेंट समय में डेविड मैग की दी हुई ड्राइंग को लेकर बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो उसी लेक में जाता है जहाँ पर मैग से वो पहली बार मिला था और आज भी वो ऐसा एहसास करता है कि मैग उसके साथ में है। मैग उसे सिखा कर गई थी कि आखिर तुम जीवन में क्या करते हो, यही मायने रखता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मूवी के थंबनेल में ये पता चली गया होगा कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि मूवी में जो मैग थी वो असल में सिल्विया लैंकन्स थी। सिल्विया का जन्म 3 जनवरी 1949 में हुआ था और उसे अपने माँ बाप के डिवोर्स के बाद में अपनी आंटी ग्रेट्यूड बेंडस्की को सौंप दिया गया। ग्रेट्यूड ने अपने 7 बेटों के साथ में मिलकर उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया और उसे बहुत मारा। वो अपने बेटों के साथ में मिलकर उसे सेक्सुअली हरेस करती थी, उसे ह्यूमिलेट भी करती थी और उसे मारती और जलाती भी थी। सिल्विया को काफी दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। सिल्विया को जबरदस्ती ह्यूमन वेस्ट यानी कि उसे मलमूत्र खिलाया पिलाया जाता था और यहाँ तक कि सिल्विया की बॉडी पर जलाकर ये लिख दिया गया था, आई एम प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सिल्विया को इतना ज्यादा ट्रॉमा हुआ था कि उसे इंटरनल ब्लीडिंग होने लग गई थी, जिस वजह से सिल्विया मारी गई। और जब सिल्विया का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके शरीर पर 150 से भी ज्यादा घाव थे। सिल्विया के साथ में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसकी उम्र मात्र 16 साल की थी, तो आप सोच सकते हैं कि उसने इतनी छोटी उम्र में क्या क्या झेला होगा। और सिल्विया तो क्या, कोई भी लड़की ऐसा कभी भी डिजर्व नहीं करती है। सिल्विया की मौत का कारण था टॉर्चर के चलते शॉक, सबड्यूरल हिमोटोमा मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग, माल न्यूट्रिशन मतलब कि उसे भूखा रखा गया था। तो इसी के चलते 16 साल की उम्र में 26 अक्टूबर 1965 में सिल्विया की मौत हो गई और वो अपनी छोटी बहन को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, इस मूवी से हमें सबक मिलता है कि अगर लोग इंसानियत छोड़ दें तो कैसा बर्ताव करने लग जाएंगे, और अगर हमें कभी भी मौका मिले किसी को भी बचाने का तो हमें बिना देरी किए उसकी पूरी मदद करना चाहिए। क्या पता हमारे छोटे से एक प्रयास से किसी की पूरी ज़िंदगी बच सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।